दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। एक और जहां अपराध रोके जाने की नारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देते हैं, वहीं दूसरी ओर विधायक पर हत्या का मामला दर्ज होता है। यह घटना मैं बताऊं आपको, बगहा के विधायक रिंकू सिंह के विषय में है। दयानंद वर्मा, जो पूर्व जिला पार्षद थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। ठेकेदारी विवाद का मामला सामने आया। शकील से दयानंद वर्मा का विवाद ठेकेदारी का था और दयानंद वर्मा पूर्व जिला पार्षद भी थे और उनकी हत्या कर दी जाती है। घटना स्थल पर ग्रामीणों ने बबलू जायसवाल की जमकर पिटाई की, जिससे बबलू जायसवाल अस्पताल में भर्ती है। एसपी बगहा का कहना है कि जांच की जा रही है घटना के विषय में विस्तार से। ठेकेदारी विवाद का मामला सामने आया है, लेकिन दयानंद वर्मा की पत्नी ने बगहा के विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह को दोषी बताया और रिंकू सिंह, शकील, बबलू जायसवाल पर हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस सघन छापामारी कर रही है। कुछ व्यक्ति के गिरफ्तार होने की भी सूचना मिली है। जांच की जा रही है। रिंकू सिंह जदयू के विधायक हैं और उन पर आरोप लगा है। रोती बिलखती चीखती दयानंद वर्मा की पत्नी यह कहती है कि रिंकू सिंह ही दोषी है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मुझे न्याय मिलना चाहिए। अब बिहार में विधायक पर सीधा आरोप परिजन के द्वारा हत्या करवाने का लगाया जा रहा है। तो अब देखना यह है कि जांच में स्पष्ट क्या होता है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।